जदे भी मौका मिलिया मैं किसानी के मुद्दे नूं जोर शोर नाल उठाऊंगा। संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान त्यार ने मानसून सैशन के दौरान किसानों की आवाज पार्लीमेंट के विच चुकण दे लई 19 जुलाई तो पार्लीमेंट का मानसून सैशन शुरू होना है। किसान केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए ऐलान कर चुके हैं। 17 जुलाई को हर विरोधी धिर के मैंबर पार्लीमेंट को किसान चेतावनी पत्र सौंपणगे ताकि किसानों की आवाज पार्लीमेंट के विच उठाई जा सके। किसानों के ऐलान तो बाद भगवंत मान ने दावा किया हर हाल किसानों के नाल खड़न दा। साडा फर्ज बनता है किसानों के हक च उत्थे बोलीए। मैं तो ईवन 25 दिसंबर जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन से श्रद्धांजलि देना सी मैं तो उदों भी अपना प्रदर्शन करता सी कि प्रधानमंत्री जी वो 2 डिग्री टैंपरेचर के उत्थे ठंड ना ठर रहे हैं तो हुण वो 50 डिग्री च तप रहे हैं। तो इस करके मैं पार्लीमेंट 19 तरीक तो चलूगी 13 अगस्त तक चलूगी जदे भी मौका मिलिया मैं किसानी के मुद्दे नूं जोर शोर नाल उत्थे उठाऊंगा। 22 जुलाई तो पार्लीमेंट बाहर किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से सवाल चुके ने। किसान का जो बेहाल मोदी सरकार ने किया होया है आज 8 महीने होने 7 महीने होने आए ने 500 किसान मर गए ने एक संवेदना का शब्द इन्होंने मुँह तो नहीं निकलिया। इत्थे उत्थे दी गल्लां मारदे ने किसान दे कोल एक भी मंत्री गया ना अपने अलायंस पार्टनर दी सुने ना अपनी मंत्री दी सुने ना किसानां दी सुने ना ते इहो जी निकम्मी सरकार दा करना की कि जिन्हां ने बनाया उन्हां दी नहीं सुनदी ते खराब तो होना ही होगा ही बिल्कुल। तीन खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई किसान केंद्र नाल लड़ाई लड़ रहे ने। केंद्र सरकार ते दबाव पाउण दे लई किसानां ने नवीं रणनीति ऐलानी है। किसानां ने पूरी योजना तैयार कर ली है मोदी सरकार नूं घेरण दी। 19 तारीख से पार्लीमेंट सैशन है, हमने तय किया है कि 17 तारीख को जो अपोजिशन पार्टीज के एमपीज हैं उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे जिसमें उनसे ये अनुरोध करेंगे कि या तो वो ये तीनों कानून और एमएसपी के कानून के बारे में हमारी बात पार्लियामेंट में लगातार उठाएं, लेकिन ये साथ में शर्त रहेगी कि वॉकआउट करके सरकार को मौका ना दें कि वो बाद में जो मर्जी करती रहे। लगातार ये मुद्दा उठाते रहें चाहे कुछ भी हो फेस करें, उतनी देर संसद को ना चलने दे जब तक सरकार इस मुद्दे पे बोलती नहीं। 22 तारीख से हर रोज सारी जथेबंदियों की तरफ से 5-5 किसान हर जथेबंदी के वो सैकड़े किसान बन जाएंगे वो हर रोज पार्लियामेंट को कूच करेंगे और उसके साथ ही सभी एमपीज को कहा कि आप अंतर इस मुद्दे को उठाइए सदन नहीं चलने देना तो हम बाहर से इस मुद्दे पे आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके पार्लियामेंट के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये जिस दिन तक पार्लियामेंट का सेशन लास्ट सेशन है उस दिन तक ये कंटिन्यूसली इसका विरोध होता रहेगा पार्लियामेंट का अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती। तीन खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई किसान अंदोलन कर रहे ने। 7 महीनों तो वध दा समां हो चुके है दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठिआं नूं 11 वार किसानां दी केंद्र दे नाल मीटिंग भी हो चुकी है पर अजे तक गल नहीं बणी है। केंद्र कानून रद्द करना नहीं चाहुंदी ते दूजे पासे किसान अपनियां मंगां नूं लै के डटे हुए ने।